जो भगवान है, तो एक मंदिर का दरवाजा पूर्व से पश्चिम की ओर जाए, ठीक है। भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका पश्चिम की ओर दरवाजा है। भाई वहाँ देख सकते हो भाई, वहाँ जबरदस्त लड़ाइयाँ हो चुकी है, मछली को खिलाते खिलाते भाई उन लोग लड़ गया भाई। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप सो तो आज का ब्लॉग ना औरंगाबाद से शुरू हो गया, ठीक है, क्योंकि बहुत ही नेक्स्ट लेवल का ब्लॉग होने वाला है, पूरा देखना ब्लॉग, ठीक है। क्योंकि ना यार ये मंदिर ना बहुत ज्यादा प्राचीन काल से ये मंदिर है। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये है गाइस देव मंदिर, जो की ना बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ठीक है, बिहार के ना एक प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है। और गाइस ये मंदिर के बारे में बताओ ना तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत कहानी है यार। ये मंदिर ना विश्वकर्मा भगवान बनाए थे, ठीक है, वो भी ना रातों रात बनाए थे। और ना इसमें बहुत ज्यादा आक्रमण भी हुआ, अटैक होने के कारण कुछ मंदिर फूटे फूटे भी। ये प्लेस का नाम ना देव है, ठीक है, और यही देव में ये मंदिर है। और गाइस मंदिर के आर्किटेक्चर की बात करें ना तो वो तो नेक्स्ट लेवल का है, बहुत ज्यादा सुंदर है, इसपे कलाकृतियां भी बनी हुई है। लेकिन एक बात और है ना, लेकिन ना इसपे कहा जाता है कि ना दो चट्टानों के बीच ना लोहा इस पे दिया हुआ है, ठीक है, जो कि मुझे कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि आप देख सकते हो सामने। मैं आपको अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक पुजारी से मैं आपको मिलवाता हूँ, वो और अच्छे से आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं उनसे कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ। बताइएगा बाबा कुछ। 12,16,000 पुराना ये मंदिर है, द्वापर युग का मंदिर है, जिसमें वहाँ भारत हुआ था पृथ्वी पर। हाँ, उस समय का है मंदिर। भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका पश्चिम की ओर दरवाजा है। और एक रात में 3 मंदिर बना है, देव, देवकुंड, उंगा। तीनों मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा कराए हैं, जो एक ही रात में तीनों मंदिर बना है। मंदिर का गेट पश्चिम होने का कारण क्या है जरा? पश्चिम होने का कारण है कि जब मुगल शासक जब यहाँ आया था आक्रमण करने, अच्छा, क्योंकि कहीं कहीं मूर्ति भी टूटा हुआ है, खंडित दिखाई दे रहा है ना, उसमें मुगल लोग ही तोड़ा है, तो वही लोग बोला था यहाँ अगर इस मंदिर का दरवाजा अगर अपने आप खुल जाएगा, पूरा पैलेस का दरवाजा पूरब की ओर, आगे भी जाइएगा पूरब की ओर, तो वहाँ पर थोड़ा गेट टाइप पे बना हुआ है, अच्छा, समझे? हाँ, पहले उधर ही था, रात को फिर अपने आप खुल गया था, तो इसीलिए पश्चिम। सो गाइस जैसे कि बाबा बताए ना, यहाँ बहुत ज्यादा मिस्टीरियस कहानी है, लोग आते नहीं है वो अलग बात है। यहाँ पे ना ये देव मंदिर जो है ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल का मंदिर है। और यहाँ ना औरंगजेब आक्रमण किया था ना, उस टाइम बोला था ना कि तुम्हारे सच में जो भगवान है तो ये एक मंदिर का दरवाजा पूर्व से पश्चिम की ओर जाए, ठीक है, क्योंकि ना अधिकांशतः मंदिर का जो दरवाजा होता है ना गाइस वो ना पूर्व साइड में होता है, ठीक है। ये मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद होकर के पूर्व की ओर से हट करके पश्चिम की ओर हो गया था। गाइस आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। हमारे बिहार में ना बहुत ज्यादा प्राचीन मंदिर है। और चलो मैं मंदिर के अंदर चल के बताता हूँ। और गाइस मंदिर के जस्ट सामने ना प्यारा सा घंटा लगा हुआ है, तो चलो मैं बजाता हूँ। जय सूर्य देव नमः। और यहाँ ना बहुत सारे दर्शक लोग आते हैं, घूमते हैं, जो कि देख सकते हो बहुत ही प्यारी मंदिर है गाइस। यहाँ पे गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर फोटो लेना मना है, फोटो खींचना मना है, तो मैं तो अंदर नहीं ले जाने वाला, ठीक है। तो हांजी गाइस वहाँ से ना देव सूर्य मंदिर से चल करके यहाँ पे देव कुंड के पास आ गए हैं। एक बात हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा मछलियाँ हैं, ठीक है, मछली का ना बहुत ज्यादा ढेर है, उसी मैं ना फरी लेके आया हूँ यहाँ पे, जो कि मछलियाँ ना बहुत चाव से खाती है मछलियाँ लोग, तो चलो मछली को खिलाते हैं। और ये देव कुंड के बारे में थोड़ा बता दूँ ना, छठ में जब यहाँ आते हो ना तो इतना ज़्यादा भीड़ लगता है ना गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लगता है, इतना ना ये इतना बड़ा कुंड दिख रहा है ना, कुंड इतना ढक जाएगा बिल्कुल आदमी से, इतना ज़्यादा भीड़ लगता है, क्योंकि सामने यहाँ पे सूर्य मंदिर भी है क्योंकि, है ना। तो सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो खिलाने से पहले ही गाइस बहुत ज़्यादा मछलियाँ यहाँ पे आ चुकी है। भाई वहाँ देख सकते हो भाई, वहाँ जबरदस्त लड़ाइयाँ हो चुकी है, मछली को खिलाते खिलाते भाई उन लोग लड़ गया भाई। खैर कोई नहीं, अपनी मछली पे कॉन्सेंट्रेट करते अपन भाई। बहुत सेल्फिश मछली है भाई, यार फोन दिखाते सब भाग जाता नीचे, बताओ हम ही फरी दिए, मेरे से ही कैमरे पे नहीं आ रहा है भाई, बताओ इधर नमक हराम कैसे हो सकता है ते लोग, यार कलजुग मछली, कलजुग वाला मछली है भाई, बिल्कुल कलजुग वाला सब, देखो भाग रहा है भाई। भाई मछली को खिलाते खिलाते मछली फैट 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 मार रहा था, या, 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 हमको खाने दो हमको खाने दो। खैर कोई नहीं, बहुत सारे बच्चे लोग पीछे से आ रहे हैं। तो गाइस आई होप आज की वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, और यार शेयर भी कर दिया करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।